एसपीएन 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बिहार में लगातार ये चर्चा जारी है कि नीतीश की सरकार गिरेगी, पर क्यों? नीतीश के पास तो अच्छा खासा विधायकों का समर्थन है और दूसरी तरफ एनडीए के साथ गठबंधन हो गया। अगर बात की जाए तो दोनों के पास यहाँ एक बता सकते हैं कि बहुमत की सरकार बनने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये चर्चा सामने आ रही है कि नीतीश कुमार की सरकार इस बार एनडीए के साथ जो गठबंधन हुआ है ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ के लोग भी नाराज हैं, जैसे कि गोपाल मंडल के साथ 3 से 4 विधायक और नाराज हैं, और दूसरी तरफ एनडीए के साथ जुड़े तमाम राजनीतिक दल भी नाराज है, जिसमें की जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम नेताओं का अगर मैं नाम लूं तो शायद यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये तमाम नेता, ये राजनीतिक दल यहाँ एनडीए का साथ छोड़ देते हैं तो एनडीए नीतीश यहाँ आपस में ही खेल टिटोली करते नजर आएंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि लगातार नीतीश के आने से क्या एनडीए भी अब मुश्किल में पड़ गई है। जहां एक तरफ नीतीश अच्छे भले सरकार चला रहे थे बिहार में, अब यहाँ एनडीए के साथ आकर नीतीश मुश्किल में पड़ गए या एनडीए मुश्किल में यहाँ पड़ गई है, इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ आकाश मौजूद है। आकाश, यहाँ पर लगातार ये चर्चा सामने आ रही है कि फ्लोट टेस्ट जो 12 तारीख को होना है उससे पहले नीतीश की सरकार गिरना तय है, कैसा लगता है आपको? देखिए, बिहार की राजनीति के बारे में बात किया जाए तो देखिए, नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए एनडीए में गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो अटकलें हैं वो इस बात की तेज है कि जीतन राम मांझी जैसे नेता अगर लालू के साथ आते हैं तो यहाँ पर नीतीश की सरकार गिर सकती है। देखिए, एक बिहार की समीकरण में इस वक्त 125 का बहुमत चाहिए, 122 के आसपास लालू यादव पहुंच रहे, 2-3 विधायकों की जरूरत है, अगर उनके पास आ गया तो यहाँ पर नीतीश की सरकार गिरने में वक्त नहीं लगेगा। ऐसे में उनका बड़ा टारगेट है यहाँ पर लल्लन सिंह, लेकिन लल्लन सिंह फिलहाल पिघलने के मूड में नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर लल्लन सिंह यहाँ पर सम्राट चौधरी, देखिए सम्राट चौधरी की अगर बात की जाए तो सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार इन दोनों की शुरू से नहीं बनी। सम्राट चौधरी हमेशा ये बोलते हैं कि नीतीश को जब तक हटाएंगे नहीं, पगड़ी नहीं उतारेंगे, पगड़ी उतारेंगे तो उसके बाद मुंडन कराएंगे, उसके बाद पगड़ी उतारेंगे, तो तमाम चीजें यहाँ पर सम्राट चौधरी नीतीश के बारे में बोलते नजर आए। ऐसे में जो इंडिया गठबंधन है वो ये जानता है और समझता है कि हमें कैसे नेताओं को साधना है। देखिए, यहाँ पर अगर सम्राट चौधरी थोड़ा सा भी पिघलते हैं तो यहाँ पर नीतीश की सरकार गिर सकती है। भले ही नीतीश के यहाँ पर हाथों में उनसे डिप्टी सीएम का पद मिला हो, उनके असमंजस में मिला हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सम्राट चौधरी यहाँ पर बैकफुट पे आते हैं तो ये नीतीश के लिए बड़ा झटका होगा। देखिए, सम्राट चौधरी नीतीश की बनती नहीं रही, शुरू से देखा गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी की नीतीश कुमार की मजबूरी हो गई है उनके साथ व्यवहार रखने की, उनके साथ प्रेम से बात करने की, क्योंकि आलाकमान ने साफ तौर पर बोल रखा है कि अब एक ही पार्टी में है और खास तौर पर अपनी पार्टी की बुराई कोई करे कैसे, बीजेपी के साथ गद्दारी करना अकेले सम्राट चौधरी के लिए भारी पड़ सकता है। देखिए, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बना गए तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ही श्रेय तो यहाँ पर रहा, अगर बीजेपी के श्रेय में वो डिप्टी सीएम बने हैं तो अगर यहाँ पर इंडिया गठबंधन उनको ये बता देता है कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो सम्राट चौधरी आ सकते हैं। देखिए, अगर जीतन राम मांझी को यहाँ पर 4 सीटों के साथ मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा सकती है तो सम्राट चौधरी के पास तो अच्छा खासा वोट बैंक है, वो नीतीश के साथ खींच के इनके साथ ला सकते हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ पर सम्राट चौधरी थोड़ा सा भी पीछे जाते हैं तो मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि सम्राट चौधरी का जिक्र यहाँ पर आकाश ने किया, तो बता दें आपको कि 1 से 2 दिन पहले सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जो कि बिहार के नए नवेले डिप्टी सीएम बने हैं, दोनों यहाँ पर पीएम मोदी से मुलाकात करते नजर आए और अमित शाह से भी, और जब से दोनों ने यहाँ पर दिल्ली जाकर मुलाकात किया उसके बाद से यहाँ पर ये चर्चा शुरू हो गई है। सियासी गलियारों में यहाँ पर ये सुनने को मिल रहा है कि दोनों मिलकर नीतीश का खेल बिगाड़ेंगे, कैसे देख रहे हैं आकाश आप इसको? क्या यहाँ पर ये मान लेना चाहिए कि नीतीश के खिलाफ अब डिप्टी सीएम, तमाम पार्टियां, खुद यहाँ पर उनके विधायक लल्लन सिंह जो कि उनकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, ये सब नेता मिलकर नीतीश के पीछे क्यों पड़े हैं? देखिए, सीधी सी बात है, अगर नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए दूसरे के साथ जा सकते हैं तो हर वो नेता फायदा ही देखता है। देखिए, राजनीति में अगर नेता कदम रखता है तो बड़े पद की मंशा के लिए ही रखता है, चाहे वो विपक्ष पार्टी हो चाहे वो सत्ता पार्टी हो। देखिए, यहाँ पर सत्ता पार्टी की बात की जाए तो सिंधिया भी इसी तौर पर आए थे, सिंधिया ने भी यही सोचा था कि बीजेपी में उनका फायदा है और बड़ा पद मिलेगा इसलिए वो आ गए। तो यहाँ पर नीतीश कुमार ने भी वही सोचा कि एनडीए खेमे में जाएंगे तो बड़े पद की लालसा रहेगी और बड़ा पद ना भी मिले तो मुख्यमंत्री पद तो यहाँ पर बना रहेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन रहते उनके मुख्यमंत्री पद पर भी अड़चन दिखाई दे रही थी और वो छाया मंडरा रही थी कि कभी भी उनकी इस कुर्सी से पत्ता उनका
लड़ सकता है। इसलिए नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए अगर एनडीए में जा सकते हैं तो दूसरे विधायक दल, दूसरे नेता भी अपने फायदे के लिए इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। और चुनाव का दौर है, चुनाव से पहले नेताओं का फेरबदल लाजमी है, आम बात है। हर बार चुनाव के दौरान नेता इधर उधर पलटी मारते हैं और अपने फायदे के हिसाब से ही नेताओं को चुनते हैं, अपना मुखिया चुनते हैं और अपना फायदा पहले देखते हैं कि मुझे कहां से बड़ा पद मिल सकता है और कहां पर मुझे पद नहीं मिल सकता। यही नीतीश कुमार ने किया, यही ललन सिंह भी कर सकते हैं, यही सम्राट चौधरी कर सकते हैं और यही लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को भी करवाएंगे। देखिए, तेजस्वी यादव बड़े उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं। जीतनराम मांझी के पास अगर 4 सीटें हैं तब उनको यहां पर बड़े पद दिए जा सकते हैं, तो यहां पर लालू के पास जब 79 सीटें हैं तो क्यों नहीं यहां पर वो अपने बेटे को ही राजा बनाएंगे, क्योंकि राजा के बाद तो राजा ही बनने की बातें चलती हैं। लेकिन नीतीश कुमार इस बीच में आए और उस राजा की कुर्सी को खेल बिगाड़ा, तो कहीं ना कहीं लालू यादव ये जानते हैं कि नीतीश कुमार ने जो किया वो गलत किया, उनके साथ ऐन मौके पर गद्दारी हुई, क्योंकि इंडिया गठबंधन बना इसीलिए था कि नीतीश कुमार ने कहा था हम आपके साथ रहेंगे, आपको जिताएंगे और ये बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, इसलिए भरोसा था कि नीतीश कुमार ने अगर बोला है तो वाकई में कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव इंडिया गठबंधन जीत सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने वो गलती कर दी और वही गलती अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जाने के बाद दूसरे नेता भी कर सकते हैं अपने दल के लिए, और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार यहाँ पर पूरी तरह से गिर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एक बात आकाश यहाँ सही कहते नजर आए हैं कि ये राजनीति है, इस राजनीति में कोई कहीं भी जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ जब नीतीश कुमार ही अपनी कहीं बातों पर नहीं टिक सकते तो बाकी निके नेताओं के बारे में क्या ही कहा जा सकता है। कुछ वक्त पहले नीतीश कुमार ये कहते नजर आए थे कि मर जाएंगे पर वहां नहीं जाएंगे, वहां मतलब की भाजपा में, और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी ये कहते नजर आए थे कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा बंद है। लेकिन आप अब देखिए, एनडीए में जब नीतीश कुमार यहाँ शामिल हुए तमाम तरह की चर्चाएं सामने आई, तो नीतीश कुमार ने यहाँ खुद ही बातें बनवानी शुरू करी और पलटू राम भी उन्होंने खुद को ही इसी वजह से कहलवाया कि वो बार बार अपने फायदे के लिए, अपनी कुर्सी के फायदे के लिए यहाँ पलटी मारते नजर आए। हालांकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार यहाँ पर एनडीए के साथ अगर जुड़े तो इस गलत फहमी में जुड़े कि लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उनका कोई बाल भी पाका नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं यहाँ पर नीतीश कुमार ने एक बड़ी गलती कर दी है कि नीतीश कुमार को यहाँ ये लग रहा है कि एनडीए के साथ आकर वो अपनी पार्टी को यहाँ बचाते नजर आएंगे। हालांकि आपको बता दें कि इस वक्त की यहाँ बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि जेडीयू के एक विधायक के यहाँ पर ईडी का छापा पड़ा है, करोड़ों की संपत्ति यहाँ जब्त की गई। अब देखिए यहाँ पर नीतीश कुमार का अगला एक्शन क्या होगा, ये देखने वाला जरूरी। क्या कहना आपका इस रिपोर्ट पर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें और देखते रहेगा SBI 9 News। धन्यवाद।